8 तारीख को जो आंदोलन किसानों की सरकार की वार्ता होगी, 8 तारीख को हम तय करेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगला कदम क्या होगा। अगर ये भीड़ देखना चाहते हैं कि लोग ज्यादा है कि नहीं है, तो लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होगी और नए सिरे से आरएलपी इस आंदोलन को नए सिरे से करेगी। 70 साल से हिंदुस्तान परेशान है, घोटालेबाज काला धन, भारतीय जनता पार्टी काला धन लेके वापस मैंडे में कब ला के बताएं, कब काला धन जो लेके गए थे उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। आप ये कहते कहते कितने साल हो गए, आप 6.5 साल तो निकल गए। और ये तो ठीक है, सामने विपक्ष नहीं है तो एक तरफा चल रही है, और हमारी पूछ भी इसलिए नहीं है, 303 सीट आ गई बीजेपी की, अगर ये 275 छह तरफा टक जाती तो एनडीए के न्योरे नहीं निकालते कि हम लोगों के। देखिए सरकार भी जीत पर लग गई कि इसमें हमारी हार हो जाएगी और किसान जीत जाएगा, सरकार को जीत छोड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से और गृहमंत्री जी फिर अपील करता हूँ कि मैं भी एनडीए का हिस्सा था, और अभी 26 तारीख को एनडीए हमने सिर्फ कृषि बिल जो काले कानून के रूप के अंदर है अभी लाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी को अगर इतनी चिंता किसानों की आय दुगुनी करने की तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते, और कृषि बिलों को अगर लड़ना ही था तो एनडीए के समस्त सहयोगियों से बात करते और पार्टी की मीटिंग करते, किसान संगठन किसानों के जो जो अगुवाई करने वाले लीडर इनसे एक सामूहिक बैठक करके, और उसके बाद अगर ये कानून नए रूप में लाए जाते और जिससे किसानों की आय बढ़ती तो निश्चित रूप से इसका स्वागत पूरा देश करता। लेकिन लॉकडाउन के अंदर ऑर्डिनेंस लाए, आनन फानन के अंदर बिलों को पास कराया, मैं तो अंदर भी नहीं था, अकाली दल जो अभी विरोध कर रहा है बिलों का वो अंदर थे, उन्होंने वहाँ विरोध भी किया, मैं अंदर होता तो निश्चित रूप से बिलों को फाड़ के फेंकता अंदर। और मैं अब भी अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी, जीत छोड़ो, किसानों को मनाओ, 50 से ज़्यादा किसानों ने साथ दे दिए, और ये किसान है, ऐसे किसानों को कोई नहीं झुका सका। किसान के बेटे देश की सीमाओं की सरहद की रखवाली कर रहे हैं, सीने पर घोड़े खा के साथ देते हैं, और किसान इस ठंड के अंदर, आप इसको छोटा सा आंदोलन क्यों कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनका 6-7 स्टेट में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ 120 से ज़्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए ने जीती है, आपकी आधे से ज़्यादा ताकत ये 6-7 स्टेट है। जो जितने भी आंदोलन आज देश के अंदर हुए, दिल्ली को जिसने घेर लिया उसकी जीत हुई, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिके थे जिन्होंने 90 के दशक के अंदर बड़ा आंदोलन करके लाखों लोग लेकर दिल्ली के अंदर चले गए थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने बात करी और उनकी सारी मांगे मानी। अब आप कोई ये चाहते हो दिल्ली की सरकार कि भाई हम इनको थका देंगे झुका देंगे, तो ये किसान थकने वाला नहीं है, आप कोई रास्ता निकालो, इनको मनाओ, और मैं ये कह रहा हूँ कि बिलों को अगर आपकी जिद एक बिल हम वापस नहीं ले रहे अब इसमें डाल दो, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अभी एक बार निलंबित कर दो, रोक दो बिलों को, फिर वापस नए सिरे से पार्लियामेंट बुला के चर्चा करा लो वापस इसके ऊपर। और एमएसपी पे गारंटी कानून की जो बात करें, आप गारंटी तो कब दोगे, आप बताओ मुझे, आप ये बार बार कह रहे हो राहुल गांधी इटली चला गया साथ संबंध पर, राहुल गांधी और सोनिया का नाम लेके प्रधानमंत्री जी बच नहीं सकते, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया 2 बार, अटल जी को भी 2-3 बार मौका दिया था, आपने भी राज किया देश के अंदर, तो कांग्रेस ने तो अपना जो किया उसकी सजा भोग ली, सड़कों पे पड़ी है कांग्रेस, कौन पूछता कांग्रेस को, 40 के अंदर सिमट गई, कांग्रेस से ज्यादा तो क्षेत्रीय पार्टियां आज विपक्षी भूमिका निभा रही देश के अंदर, कांग्रेस की आड़ के अंदर आप बार बार कांग्रेस का नाम लेके लाल झंडे का नाम लेके इससे बच नहीं सकते, लाल झंडे वाले अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, कांग्रेस खत्म हो रही है। आप आम आदमी को देखो, आपके एनडीए के पार्टनर, आपके वो लोग लाखों लोग जिन्होंने आपको वोट डाला था भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, वो सड़कों पे हैं, आप उनकी देखो, हम कोई पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए नहीं कर रहे हैं। सर आज के हालात की यदि बात की जाए तो जिस तरह से देश का किसान इस समय रोड पर है, उसने एनसीआर को घेरा है, हालात इस तरह से पैदा हो रहे हैं, किसानों से जुड़े हुए उनके अपने संतानें जो सीमाओं पे मौजूद हैं, यदि उन्होंने बगावत कर दी तो आज की स्थिति को देखते हुए क्या कहीं गृह युद्ध की स्थिति तो नहीं बन रही है? नहीं, गृह युद्ध तो नहीं होगा, जवान समझदार है और किसान भी समझदार है। सबसे बड़ी बात है, पहला आंदोलन मैंने देखा कि अहिंसात्मक तरीके से किसान आंदोलित, लेकिन सरकार कई बार बुला चुकी है, सरकार बुला चुकी है, सरकार वार्ता भी कर रही है, सरकार भी कुछ कदम आगे बढ़ा रही है और किसान संगठन में बढ़ा रहे, हम उम्मीद करते हैं कि कोई इनको रास्ता एक बार निकल जाएगा। सर इसमें बात आ रही है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्योंकि कुछ किसान ने होके कुछ राजनीतिक दल है ना वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो सरकार का हिस्सा होकर भी विरोध कर रहा हूँ, तो मैं किसने बरगलाया मुझे बताओ, मुझे किसने बरगलाया थोड़ी, और मैंने ये भी कहा एनडीए छोड़ा जब कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, मैं यूपीए का साथ नहीं दूंगा, अकेला लड़ाई लड़ूंगा, एनडीए से मेरी नाराजगी, तीन कृषि बिलों पे किसान संगठनों को और किसानों को संतुष्ट कर दो, आप एमएसपी गारंटी दे दो, अपना आप मामला ठीक हो जाएगा। और 8 तारीख को जो आंदोलन किसानों की सरकार की वार्ता होगी,
8 तारीख को हम तय करेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगला कदम क्या होगा। अगर ये भीड़ देखना चाहते हैं कि लोग ज्यादा है कि नहीं, तो लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होगी और नए सिरे से आरएलपी इस आंदोलन को नए सिरे से करेगी। ये 8 तारीख को हम डिक्लेयर करेंगे। मेनिवन जी, 1.5 महीने से आमजन में परेशान है और उसका समाधान भी नहीं कर पा रहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? 70 साल से हिंदुस्तान परेशान है, जब अंग्रेजों से जिन क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी, जिनके भी सपने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सपने पूरे हुए क्या? आज नरेगा में मजदूरी करके आम आदमी अपना पेट पाल रहा है। घोटालेबाज कालाधन, भारतीय जनता पार्टी कालाधन ले आई क्या वापिस? मैं एनडीए में कब ला के बताएं, कब कालाधन जो लेके गए थे उनको सलाखों के पीछे डालेंगे? आप ये कहते कहते कितने साल हो गए, आप 6.5 साल तो निकल गए। और ये तो ठीक है, सामने विपक्ष नहीं है तो एक तरफा चल रही है, और हमारी पूछ भी इसलिए नहीं है कि 303 सीट आ गई बीजेपी की, अगर ये 275 छिन्तर पर अटक जाती तो एनडीए के न्योरे नहीं निकालते कि हम लोगों के अरे एक सीट है, दो सीट है, वो तो वक्त आने में पता लगेगा। जब बीजेपी की 2 सीट थी पहले, अब सत्ता में आई है ना तो 2 सीट शुरुआत करी थी। ये 2, 4, 5 नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर, लोग किसके साथ हैं। और जो आंदोलन एनडीए के पार्ट कर रहे हैं वो ताकतवर है और लाखों लोग उनके साथ हैं। अभी हम प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि अहिंसात्मक तरीके से आप हमारी बात मानो, इस बात को ज़्यादा, जितना दिन आंदोलन चलेगा उतने दिन बीजेपी माइनस होगी देश के अंदर। आप लिख के ले लेना कि जितने दिन आंदोलन चलेगा भारतीय जनता पार्टी और एनडी हर रोज इनका वोट घटेगा देश के अंदर। किसानों पे कोई पार नहीं पा सका और किसान की जयकार करके ही सत्ता के अंदर आप आए हो, और करनी ही पड़ेगी। ये तो आपको अगली बार ओपन हो रहेगा देश के किसानों को, आप करो महाराष्ट्र में आंदोलन नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, धीरे धीरे कहीं ऐसा नहीं हो पूरे देश के अंदर ये आंदोलन एक साथ आग पकड़े और बड़ी दिक्कत दिल्ली की सरकार को जाए। समय रहते इस ज्वालामुखी को रोकना होगा। ये प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः अपील करता हूँ कि आप परीक्षा नहीं लें, ये वही लोग हैं, वही किसान के बेटे हैं जिन्होंने मोदी आगे बढ़ो नारे लगा के आपको प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, उन किसान के बेटों को खिलाफ मत करो। ये फिर मेरी अपील है आपसे कि इस आंदोलन को खत्म कराएं, किसानों की बात माने और किसानों की आय कैसे बढ़े, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू करें, व्यवस्था को बदलें कुछ। क्योंकि आपके जो मुद्दे थे भाई, धारा 370 आपने हटाई, बार बार आपके प्रवक्ता हूँ, बयान देखता हूँ, वो कहते 65, 67, 68, छोड़ो 65, 67, 68, उस धारा 370 अगर नरेंद्र मोदी हटा सकते हैं, अमित शाह हटा सकते हैं, तो किसानों की मांग बड़ी नहीं। और आपको यह कानून लाने की जरूरत कहाँ पड़ गई? क्यों इतने चिंतित हो गए लॉकडाउन के अंदर? आप लेके आए लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस लाए, फिर बिल पास कराए, एक ऑल पार्टी और एनडीए की मीटिंग आपने नहीं करी। हमें कम से कम इतना तो पूछ लेते हैं कि भाई किसानों के नेता हो आप लोग, आप बताओ ये सही है कि नहीं, तो हम कम से कम ये कहने की स्थिति में होते। सर बेशक आप उस दिन सदन में नहीं थे जिस दिन ये बिल पास हुआ, लेकिन आपको संसदीय जो कार्य प्रणाली है उसकी पूरी आपको जानकारी है। कहते हैं कि लोकसभा, फिर राज्यसभा, और फिर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो किसी भी चीज को निरस्त किया जाना बहुत आसान नहीं होता, आराम से हो जाता है। तो यदि ऐसा है तो कई बिल करते हैं ना, रोज करते हैं, रोज ही होता है। पुराने जितने भी कानून है वो जब सरकार की इच्छा होती है वो तो कानून, तो देखो जिनकी सरकार बनती है वो चाहे जो कानून लाता है और चाहे जिसको निकल, संविधान संशोधन कितने बजे देश के अंदर, तो टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, जीरो। मैं कह रहा हूँ वैसे तो सरकार की किरकिरी इस बात से ही हो रही है कि बैकफुट पे आ रही है, कह रही है ना संशोधन कर रहे, क्यों कर रहे हो? हाँ। अगर अच्छे थे तो संशोधन क्यों कर रहे हो? और संशोधन कर रहे हो तो उसमें एक बार बात मान लो आप, कोई रास्ता निकल जाएगा बीच का कहीं कहीं, बड़ा मन करके करो कि भाई चलो बताओ। और प्रधानमंत्री जी अगर बयान भी दे दें कैसा कि मैं नहीं होने दूंगा अब, लेकिन बयान इस बात तरह की बात नहीं कर, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, माओवादी है, सारे। अभी बताओ शाहजहांपुर बॉर्डर पे मैं बैठा हूँ इतने दिनों से, मुझे तो कोई अपराधी और किसी किस्म का व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखा बॉर्डर पे। राजस्थान का किसान तो यहाँ पर आंदोलित है भाई, हरियाणा, यूपी और पंजाब का किसान शुरू से आंदोलन कर रहा है दिल्ली के चारों तरफ, और हम बॉर्डर के बीच में हमारा हरियाणा स्टेट आ जाता है। अगर हम बॉर्डर के आसपास तो हमारे लोग भी वहीं दिल्ली के आसपास मिलते हैं। और अगर बीजेपी ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब बीजेपी वालों का क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजस्थान में तो इनका कोई धनी दोरी है नहीं, और जितने भी बीजेपी के नेता राजस्थान के अंदर है ये खुद की इनकी औकात नहीं कि 3,000 की भीड़ कर सकते, 3,000 नहीं 3,000 की भीड़ नहीं कर सकते। इसलिए भी ये तो 14 तो मुख्यमंत्री के दावेदार राजस्थान में, कितने 14 तो अभी हो गए, और मुझे लग रहा है 4-6 महीने में ये संख्या 24 चली जाएगी, 24 CM है आज ही शपथ ले रहे हैं 250 सीट आगे। ये तीनों उपचुनाव में इनकी धड़क निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, तीनों उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक कर देंगे, और आरएलपी अकेली अपने दम पे लड़ेगी और कांग्रेस का दिमाग भी ठीक करेगी, दोनों का कर देगा राजस्थान।